हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, तो ये ब्लॉग आगरा टूर का रहेगा, यानी बस आया नहीं है। तो ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि हम तीनों फ्रेंड जो कि है हमारे जो है दो फ्रेंड है, फ्रेंड के साथ टूर पे जाएंगे। तो अभी हम लोग हाउसखास मेट्रो स्टेशन में हैं, बस का वेट कर रहे हैं। 7 बजे का टाइमिंग बोल रहा था, लेकिन अभी 7:30 बजे का उठे। तो ये हमारे फ्रेंड है कोमल, इमरान। तो हम तीनों घूमने का प्लान बनाए, तो अभी बस का वेट कर रहे हैं और आगे वीडियो में बने रहे। सुबह 7:30 बजे का और ये हमारे दो फ्रेंड वेट कर रहे हैं। हेलो भैया, हमारे बस आ गए, तो आप देख सकते हैं बस के अंदर एंट्री। तो हम बस में आ गए दोस्तों, हमारे फ्रेंड जो थी पीछे बैठे, वो आप देख सकते हैं इमरान। तो और हम दोनों साथ में, हमारे दोस्त थोड़ी सी दूर हैं, कोई बात नहीं। दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं, और कमल में कैसा लग रहा हमारे फ्रेंड को? बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम है। तो हमारा तो काफ़ी टाइम ही नहीं मिलता ब्लॉग बनाने का, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ, टाइम नहीं मिलता ब्लॉग बनाने का। बहुत दिनों के बाद मैं ये सेकंड ब्लॉग बना रहा हूँ, एंड मैं काफ़ी इंस्टा पे एक्टिव रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमारे फ्रेंड हमारे फ्रेंड आ गए, तो मैं आपसे फ्रेंड से बात करना चाहता हूँ। और इमरान भाई, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ। तो आपने पहली बार? हाँ भाई, पहली बार जा रहा है। तो इमरान भाई साहब तो पहली बार है, एंड कोमल भी आपकी पहली बार है। एक्चुअली मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो इन लोगों के साथ आ गए, तो साथ में घूमने का मतलब इसके थ्रू हम ब्लॉग भी हो जाएंगे, इंस्टा के रील्स भी बन जाएंगे, एंड फोटो भी हो जाएगा। तो अभी बस चल चुकी है, तो फ्रेंड अभी कुछ देर के लिए यहाँ पे बस रुकी हुई है, तो हम लोगों को थोड़ा सा भूख लग रहा है। Living life every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep going. Okay, तो शायद अभी break time है ना? ढा देते जा रहे हैं। अच्छा, breakfast, lunch, बाबा का ढाबा। ये ना भाई, कुछ खाने के लिए कुछ शायद रोक के रखे, तो अभी चलते हैं कुछ खाते। अभी हम लोग भेलपूरी के ऑर्डर किए हुए हैं, और हम भेलपूरी साइन बढ़िया बना रहे हैं। पूरी स्टार्ट कर रहे हैं और स्क्रैच के साथ। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। खाने वाले भेलपूरी वर्सेस कोल्ड ड्रिंक, बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। आप लोग आइए, जरूर खाएं यहाँ पे। दोस्तों हम आगरा पहुँच चुके हैं, तो अभी मैं आगे का व्यू आपको दिखाता हूँ। तो
तो गाइस देख सकते हैं इतनी लंबी लाइन है जो कि हम लोग लाइन में लगे हैं। तो दोस्तों ये एंट्री हम कर चुके हैं आगरा फोर्ट की और इतनी सारी इतनी ऊंचाई क्या दोस्तों, इतना ऊंचाई कि हमारे फोन के ऊपर पूरे नहीं आ पा रहे अब ये दूसरा गेट है, पहला गेट हम लोग एंट्री कर चुके हैं दोस्तों, अब ये हम दूसरे गेट को एंट्री करने जा रहे हैं। दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं, सेकंड गेट भी एंट्री कर चुके हैं। लंबी चौड़ी काफी लंबी चौड़ी है, भाइयों का संगीत। गर्मी में कैसा लग रहा है दोस्तों? बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा। यह आगरा फोर्ट, चलो ये हमारे गाइड अपना है क्या? अपना ही है। हेलो, हम लोग आगरा फोर्ट में आ चुके हैं और ये हमारे दोस्त और एक आ गया युवराज, बहुत बहुत ही गर्मी है दोस्तों, तो बहुत गर्मियों में हम इधर ब्लॉग बनाने आए हैं आगरा फोर्ट। इसके बाद हम जाएंगे ताजमहल। ताजमहल आगरा तो पहुंच चुके हैं, अभी हम आगरा फोर्ट देख चुके हैं, अभी हम जा रहे सीधे ताजमहल देखने। तो गाइस अभी हम लोग लंच करने आए हैं, तो हम यहाँ इस होटल जगह जा रहे थे, तो इस होटल में हर कोई लंच कर रहे हैं, तो इसी होटल में अभी हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद जाएंगे ताजमहल। तो दोस्तों आखिरकार ताजमहल हम लोग एंट्री कर चुके हैं, ये देखिए कुछ नाराज नजारे, ये हमारे कोमल भाई साहब और ये हमारे इमरान भाई साहब जो कि बड़े थके हुए लग रहे हैं, और ये मिनी ताजमहल लिया है। और चलो दोस्तों हम आगे का व्यू आपको दिखाते हैं, जितना हो सके उतना वीडियो कवर होगा, उसके बाद कुछ फोटोशूट होगा, रील्स बनेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर।
तो दोस्तों देख सकते हैं ये ताजमहल के ऊपर वाले सीन है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखा। और दोस्तों यहाँ पे सीन चेंज हो चुका है, जो कि आपको ऊपर जाके देखना है तो 200 का टिकट लगेगा एंड आपको नीचे घूमना है तो 50 का टिकट। तो हम लोगों ने 50 वाला टिकट लिया था एंड जो हम नीचे घूम रहे हैं, अगर ऊपर जाना है तो 200 का टिकट लेना पड़ेगा। और हमारे दोस्त यहाँ पे हैं, जो हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कुछ नए ब्लॉग के साथ।